गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम आप लोग को दिखाने वाले हैं सिंपल तरीके से आलू का रेसिपी, जो हर घर में होता है आलू, और आपको सबको पसंद है आलू का सब्ज़ी। तो मैं आप लोग को कोशिश करूंगी एक नया तरीका से, सिंपल तरीका से आलू के सब्ज़ी को कैसे बनाते हैं। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे में न्यू चैनल है मेरा, बट मुझे उतना तो एक्सपीरियंस नहीं है। मैं कोशिश करूँगी आप लोग को पसंद आए और आप लोग भी ऐसे बनाएं। तो मैं आलू को छोटा छोटा काट ली और थोड़ा सा आलू को मैं डस्ट भी कर ली ताकि उसका ग्रेवी अच्छा हो। और ये मैं प्याज, लहसुन और आदि को सबको पेस्ट किए। फिर मैं पेस्ट करने के बाद प्याज को काट लिए और टमाटर, लाल लाल टमाटर से अच्छा बनता है ग्रेवी। फिर सारा मैंने मटेरियल को एक जगह करके जो काटना है काट लिए, और बाकी देख ही सकते हैं तेज़पत्ता और ये मसाला भी सब रेडी कर लिए। उसके बाद हम गैस ऑन करके तेल गरम होने दिए। तेल गरम होने के बाद मैं लहसुन और अदरक को डाली, फिर हम तेज़पत्ता और गरम मसाला दिए। ये थोड़ा भूनने के बाद हम प्याज को तब तक भूने जब तक प्याज का कलर थोड़ा अलग ना हो। थोड़ा रेड कलर का होने के बाद मैं उसमें मसाले डालूँगी, फिर मैं आलू डालूँगी। तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा गाइस, आप लोग को भी अगर और भी कुछ चाहिए रेसिपी और सब्ज़ी का तो मैं शेयर करूँगी आप लोग के साथ। देख ही सकते हैं फिर टमाटर को देखे भूंजने लग गए, फिर मसाला को डाले। हाँ, मसाला को डालने से पहले थोड़ा सा पानी डाल दिए ताकि मसाला प्याज के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो और ग्रेवी में भी टेस्टी आए। और फिर मसाला को 5 से 6 मिनट तक भूनने के बाद उसमें हम डालेंगे आलू। तो आलू डाल दिए, आलू डालने के बाद हम थोड़ा सा चलाए सब्जी को ताकि मसाला अच्छे से मिक्स हो आलू के साथ। और आप लोग भी कमेंट कीजिएगा कि आलू का सब्ज़ी किनको किनको पसंद है। मैं सिंपल तरीक़ा से बनाए हैं, हो सके आप लोग को और अच्छे तरह से आए। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, देख ही सकते हैं। फिर कि हम थोड़ा सा के लिए ढक दे ताकि थोड़ा सा ग्रेवी अच्छा हो। फिर ये मेरा बन के तैयार हो गया आलू का सब्जी, देख ही सकते हैं टेस्टी टेस्टी सब्जी। आप लोग इस पे धनिया पत्ता भी डाल सकते हैं ताकि देखने में और खाने दोनों में अच्छा लगे। तो गाइस सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, चैनल मेरा नया है, प्लीज़ सपोर्ट।